दोस्तों कैसे 1000 की एसआईपी से 4 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगी, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो लोग जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, एसआईपी स्टार्टअप करना चाह रहे हैं और कम बजट है, आज की इस वीडियो को जरूर देखना। आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको 1000 रुपए के कैसे एसआईपी स्टार्टअप करके 4 करोड़ रुपए बनाएंगे आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। तो जो लोग देखना चाहते हैं इस वीडियो को जरूर देखना, कंप्लीट देखना। हर पॉइंट मैं अपने बिगनर के लिए बारीक बारीक चीजें बताऊंगा जो आराम से नए लोग समझ सकते हैं, और उन पैसों को इन्वेस्टमेंट करोगे तो उन पैसों को अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस वीडियो को देखना, 100% बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारा पैसा बहुत कम है, हम 1000 रुपए ही ऐसा जो मैनेज कर पाते हैं, 1000 ही बचत कर पा रहे हैं, तो हम कैसे एसआईपी स्टार्टअप करें। तो आज उनके लिए ही वीडियो है, उनके लिए ही है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। 1000 की एसआईपी से, सिर्फ 1000 की एसआईपी से 4 करोड़ रुपए जनरेट करके बताऊंगा इस वीडियो में, तो जरूर देखना पूरा। चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने जो एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर दिया हूं, एसआईपी कैलकुलेटर में अब मैं आपके सामने रखूंगा कि जो कैसे 1000 की एसआईपी से हम 4 करोड़ रुपए बना सकेंगे और 4 करोड़ से ऊपर का जनरेट कर पाएंगे पैसा, तो कैसे करेंगे। हमने जो आपके सामने 1000 की एसआईपी डाला है, 20% का रिटर्न है जो एनुअल देखा है, और 30 साल के लिए हम इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि 20% कौन सा फंड दे रहा है, मैं आपको लाइव करके बताऊंगा और कौन सा फंड है वो भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को जरूर देखना। देखो सबसे पहले हम इस पे जो 1000 की एसआईपी कर रहे हैं और वही चीज 30 साल के इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो देखो कितना पैसा होता है। सीधे सीधे आपका जो पैसा वो हो रहा है लगभग 2,33,60,000 रुपए के आसपास आपका पैसा जनरेट हो जाएगा। पहला पॉइंट ये जो आपका पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में हम इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, तो हम इसको 35 साल करके देख लेते हैं, तो आपका पैसा सीधा सीधा 6,30,00,000 रुपए बन जाएगा। समझे, ये पॉइंट समझना, बहुत बड़ी बात है, सीधा 5 साल के अंदर डबल। इससे और भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, इसी पैसे को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर देते हैं, हम सिर्फ इसको 40 साल करके देख लेते हैं, 5 साल एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो आपका पैसा 17,00,000 रुपए हो जाएगा सिर्फ 1000 की एसआईपी से। कितना बड़ा पैसा जनरेट हुआ है, कितनी बड़ी इनकम जनरेट हो रही है, और बहुत बड़ा जो अमाउंट है। तो आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से फंड है जो 20% ऊपर भी रिटर्न दे रहे हैं, उन फंड में आप इन्वेस्टमेंट चालू करोगे तो 20% ही आपको रिटर्न मिलता है, तो 100% कहता हूं कि आपका ये पैसा बहुत अच्छा बन सकता है। आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा किसी भी फंड को चूज करने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीक बारीक करके आपको समझाऊंगा, तो इस वीडियो को जरूर देखना। चलो मैं म्यूचुअल फंड अपना ओपन करके बताता हूं और उसमें क्या क्या पॉइंट है और क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको समझाता हूं। आपके सामने है जो भी चीज है। दोस्तों आपको अच्छी जानकारी देने के लिए मैंने अपना जो म्यूचुअल फंड ओपन कर दिया हूं। म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं बहुत से अलग अलग जो फंड आते हैं, लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, जो भी आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, आपको उसमें चूज़ कर देना। जैसे हम म्यूचुअल फंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो अलग अलग फंड देखने को मिलेंगे आपको, हाई रिटर्न वाले जो भी हैं वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब अपने को चाहिए कि भाई स्मॉल कैप में ही अच्छा रिटर्न मिलता है और रिस्क भी होता है, बट अच्छा रिटर्न के लिए हमारे को ये करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये जो हमारे को करना है, तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा जो रिटर्न के बारे में, जैसे कि जो इसने 3 साल के अंदर इतना रिटर्न दिया है, 2 साल के अंदर इतना दिया है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्चुअल में गाइस आपको यहाँ पे चेक करना है, जब भी आप चेक करो तो ये आपको जरूर चेक करना है कि 3 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया इसने, 5 साल के अंदर कितना क्या रिटर्न दिया है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5 साल के अंदर इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो क्वांट स्मॉल कैप जो फंड है, ये फंड ने 37% का रिटर्न दिया है, निपॉल इंडिया ने 30% का रिटर्न दिया है, टाटा ने लगभग 28% का रिटर्न दिया है, और कैनरा ने आपको देखने को मिलेगा 28% का, और आईसीआई पोटेंशियल जो स्मॉल कैप फंड है इसने जो 27% का रिटर्न दिया है। इसी भी का नीचे आपको एक्सिस का मिलेगा, एसबीआई का भी मिलेगा, इसी के नीचे आपको कोटक का देखने को मिलेगा। ये जो फंड है जो जिन्होंने लगभग 25% से ऊपर का ही रिटर्न दिया है, 25 से लेकर 40 तक आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसी में हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, इसी को हम 3 साल लेके चलते हैं कि 3 साल के अंदर और 1 साल के अंदर क्या रिटर्न रहा है। तो अब 1 साल के अंदर इसका जो रिटर्न आप देख सकते हो, क्वांट का 66% के आसपास का रिटर्न रहा है, निपॉल इंडिया स्मॉल कैप कमांड का अपना 53% का रिटर्न रहा है, टाटा का 38% का रिटर्न, और ये जो कैनरा का 40% है, आईसीआई का अपना 43%, एक्सिस का है हमारा 39%, इसी प्रकार एसबीआई का है तो 35% 1 साल के अंदर इसने रिटर्न दिया है। 3 साल की जहाँ तक बात करूँ दोस्तों, तो 3 साल में क्वांट ने 44% का रिटर्न दिया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 34% का है, टाटा ने 31% का है, आईसीआई ने 28% का रिटर्न, और बाकी जो एसबीआई और एक्सिस बैंक ने लगभग 24 से 27% का रिटर्न इसने दिया है। ये तो हो गया इस फंड के बारे में जो हाईएस्ट रिटर्न दे रहे हैं ये फंड।
अब किसी भी फंड को एक्स वाई जेड जो भी आपको फंड अच्छा लगता है, मान लीजिए ये निपॉन इंडिया से आपको बेस्ट लग रहा है, तो आपको इसमें जाना है और यहाँ पे चेक करना है कि पीछे इसका जो क्या है, जो रेशियो है, कैसे ग्राफ है, तो आपको ये भी जरूर चेक करना होता है। तो आपको यहाँ पे हमेशा चेक करना, कोई भी ग्राफ ले लो आप, कोई किसी भी टाइम का, आपको ऑल टाइम में लो या कैसे भी, आपको उस ग्राफ का जरूर चेक करना कि जो इसका ग्राफ का कैसे जो ये फ्रेशर कर रहा है, कैसे बढ़ रहा है। तो हमेशा जो कोई भी ग्राफ होता है, कोई भी जो अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड होता है, वो हमेशा जो ऐसे ऊपर ही ग्रोथ करता है। ऐसे नहीं कि मार्केट है जो थोड़ा चढ़ा फिर उसके बाद डाउन हो गया, फिर मार्केट बढ़ा है, फिर डाउन हो गया, फिर बढ़ा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे में क्या है कि नुकसान ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं आपके। तो ऐसे आपको ज़रूर देखना कि जो एक महीने के अंदर तो हो सकता है कि कुछ है जो फंड आपको एक महीने में अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं, कुछ फंड है जो नेगेटिव भी जाते हैं। तो अपना ये निपॉन इंडिया देख लो, इसमें एक महीने के अंदर कुछ इसने अच्छा रिटर्न दिया, यही चीज़ 6 महीने की बात करें, 6 महीने में 14% का रिटर्न इसने दिया है, तो जो थोड़ा लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो जो ये आप चेक कर सकते हो। इसके साथ में आपको दूसरा पॉइंट चेक करना ये है कि जो किसी भी फंड में AUM उसका क्या है, उसका फंड का साइज़ कितना है। तो फंड साइज बोलते हैं इसका जो कितने लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कितना पैसा है। तो 45,894 करोड़ इसमें इन्वेस्टेड है। इसके साथ में जो आप और भी चेक कर सकते हो होल्डिंग वगैरह, होल्डिंग एक्चुअल में वो होती है कि जिसमें जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी, वो फंड किस अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जहाँ से रिटर्न आपको दे रहा है, तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अलग अलग जगह जहाँ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इसके साथ में आपको यहाँ पर नीचे देखना है और यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो वगैरह क्या है, इस फंड में कितना क्या पैसा लगेगा, जो आप एग्जिट करोगे तो उसका पैसा क्या लगेगा, ये सब आपको चीज़ें देखनी है किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अब जैसे कोई भी जो फंड आप चूज़ किया उसके बाद में आपको इन्वेस्टमेंट चालू करना है, तो सीधा आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर जो SIP स्टार्टअप करना है, यहाँ पर SIP स्टार्टअप करने के लिए SIP क्लिक करना है सीधा, जहाँ से आपको जो SIP स्टार्टअप करनी है कितनी करनी है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। हमारे को भी 1,000 की SIP स्टार्टअप करनी है, तो 1,000, और यहाँ पर आपको जो अपना अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे सीधा अपना अकाउंट लिंक कर देने के बाद स्टार्टअप कर देना। ये जो आपका स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में जो आपका OTP आएगा मोबाइल नंबर पे, वो वेरीफाई होने के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा। आपके हर महीने 5 तारीख 3 तारीख जो भी आप डिसाइड करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे जो आपकी किस्त कट जाएगी और ये पैसा 1,000 उसमें उस फंड में चला जाएगा। यहाँ पे हमने 15 तारीख क्लियर की, तो 15 तारीख आप ले सकते हो, 3 तारीख ले सकते हो, 2 तारीख ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हो, और बैंक अकाउंट आप कोई भी चूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास में अवेलेबल है। ये ऐसे जो आपको SIP स्टार्टअप करना है। यदि आप लोगों का म्यूचुअल फंड में अकाउंट नहीं बना है तो आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेकआउट करना और अपना अकाउंट बना देना। अकाउंट बनाने के बाद आप ये है जो मैं कर रहा हूँ यही आप कर सकते हो इसके माध्यम से, और एक अच्छा पैसा बना सकते हो। और एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगा, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम करना है, चाहे 20 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, या 25 साल, 18 साल, ऐसा आपको करना जिससे आपका पैसा अच्छा ग्रोथ हो सके। दोस्तों अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए किसी टॉपिक के साथ में,